दोस्तों आपने कई बार नोट किया होगा कि आपने अच्छा कैमरा यूज़ किया है, अपने अच्छे लेंसेज यूज़ किए हैं और आपने अपने शूट की तैयारी भी बहुत अच्छे से की है, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी फाइनल पिक्चर्स होती हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं आपके फाइनल, उसको देख के आपको खुशी नहीं होती। आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ इस पिक्चर के अंदर मिसिंग है, फिर वो चाहे उसके फोकस के पॉइंट्स हों कुछ, यानी कि फोकस उतना शार्प ना हो, या फिर उसके कलर्स हों, या फिर अगर आप देखेंगे कुछ एक्सपोजर का इशू है। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको कमी नज़र आती है सारी तैयारी करने के बावजूद भी। अब अक्सर ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हम सब कुछ पे तो ध्यान देते हैं, यानी कि हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, अच्छे प्रोडक्शन पे, अच्छे मॉडल्स पे, अच्छी लोकेशंस पे, अच्छे कैमरा, अच्छे लेंस पे, लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि जब हम अपने कैमरा के अंदर सेटिंग्स को लगाते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, और ये सिली मिस्टेक्स जो है दोस्तों वो फाइनली आपकी पिक्चर्स में नज़र आती है। तो आज का वीडियो दोस्तों उन 5 मिस्टेक्स के ऊपर है जो आपको नहीं करनी है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 सेटिंग्स जो आपको हमेशा शूट करते वक्त अपने कैमरा में रखनी है ताकि आपकी फोटोग्राफी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो, आपको रिजल्ट्स बेटर मिले। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों वैसे तो हर फोटोग्राफर का एक अपना स्टाइल होता है शूट करने का, उसकी एक अपनी सेटिंग्स लगाने का अपना एक खुद का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आज ऐसी 5 कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपका स्टाइल कुछ भी हो, आप कैमरा सेटिंग्स कैसे भी लगाते हो, लेकिन ये जो 5 कैमरा सेटिंग्स अगर आप ऐड करेंगे अपनी फ़ोटोशूट के टाइम, तो डेफ़िनेटली आपके जो पिक्चर्स हैं उनका जो रिजल्ट्स है फाइनल, उसमें बहुत चेंज आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहली जो मेरी कैमरा सेटिंग है दोस्तों, मैं जब अपना पिक्चर कंट्रोल सेट करता हूँ, जैसे कि आपको स्टैंडर्ड पे लेना है, न्यूट्रल पे, फ्लैट पे, या पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड पे, जिस मोड पे भी आपको शूट करना है, तो वहाँ पर जब आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो मैं शूट करता हूँ दोस्तों न्यूट्रल पे। अब न्यूट्रल के आगे एक और आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक और सेटिंग आपको मिलती है जहाँ पर मैंशन होता है शार्पनिंग, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन एंड ह्यू। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ दोस्तों कि जो शार्पनिंग है उसको मैं कर देता हूँ 0। ज़्यादातर फोटोग्राफर क्या सोचते हैं कि अगर उसके हम 9 पे रखेंगे तो हमें पिक्चर थोड़ी ज़्यादा शार्प मिलेगी, या हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे यानी कि एकदम बीच में, तो पिक्चर्स के अंदर हमें शार्पनिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। बट दोस्तों ये ज़्यादातर पाया गया है कि आपकी जो इमेज की जो शार्पनिंग है वो जब आप पूरी इमेज को एडिट कर लेते हैं, अगर आप तब ऐड करें तो ज़्यादा पिक्चर नेचुरल और सटल और क्रिस्पी क्लियर नज़र आती है, रादर देन कि आप उसको कैमरा सेटिंग के वक्त ही उसे 9 पे या डिफ़ॉल्ट पे रखें। तो जब मैं शूट करता हूँ तो मैं कर लेता हूँ दोस्तों इसको कम्प्लीटली 0 पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और 0 पे सेट करने के बाद क्या होता है कि आपकी शार्पनिंग जो है पिक्चर के अंदर वो एकदम कम्प्लीटली 0 हो जाती है। तो शुरू में आपको पिक्चर थोड़ी सा नेचुरल लगेगी जब आप उसे खोलेंगे जेपेग में या रॉ के अंदर, लेकिन जब आप उस पिक्चर को एडिट करके उसमें शार्पनिंग ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि पिक्चर बहुत ही सटल नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप 9 पे शूट करें डिफ़ॉल्ट पे, तो कई बार क्या होता है कि आपने सारी सेटिंग्स तो अच्छी रखी है लेकिन जो पिक्चर है उसमें शार्पनिंग जो है थोड़ी सी अननेचुरल दिखाई देती है, थोड़ी सी पिक्चर या तो कई बार ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेच सा है, या कुछ अननेचुरल जो स्किन टोन है, टेक्सचर है, वो थोड़ा सा शार्पनिंग ज़्यादा होने की वजह से जो है थोड़ा अननेचुरल दिखाई देता है। तो पहली सेटिंग को आपको ध्यान रखना है कि जो शार्पनिंग है वो रखनी है आपको 0। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी कैमरा सेटिंग्स की। अब ज़्यादातर क्या होता है जब हम फोटोज़ लेते हैं तो हम इस शटर रिलीज बटन को ही यूज़ करते हैं पिक्चर को लेते वक्त, और इसको क्लिक करते हैं, या अगर हम फोकस करते हैं तो इसे हाफ़ रिलीज़ यानी कि इसको हाफ़ रिलीज़ करते हैं शटर बटन को, तब हम फोटो लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि फ़ोटो और फोकसिंग हम इसी शटर रिलीज बटन से करते हैं, तो ये आदत आपको थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। आप अपने जो आपके कैमरा के पीछे इस तरह से देखिए एक ऑटो फोकस का जो है बटन आपको मिलता है, तो जिसे हम जनरली कहते हैं बैक ऑटो फोकस बटन, तो आप इसे एक्टिव कर लीजिए। तो अब आप जब भी पिक्चर लेंगे तो आपको फोकस जो है इस बटन से करना है, यानी कि इस तरह से आपको फोकस करना है ताकि आपका फोकस जो है बहुत अच्छे से लॉक हो, और फिर आपको जो है यहाँ से शटर को रिलीज़ करना है ताकि पिक्चर आप ठीक से क्लिक कर पाएँ। इससे बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि जब आप कोई भी फ़ोटो शूट करते हैं तो आपकी जो फोकसिंग है वो आपको बहुत ही टैक शार्प मिलती है, और आपको पता चलता है कि आपने इस बटन से बराबर फोकस किया है और यहाँ से आपने पिक्चर को क्लिक किया है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर हम दोनों एक ही बटन से करेंगे तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी कैमरा, कई बार हमने हल्की सी भी गलती कर दी पिक्चर को शूट करने में, या कई बार हम फेस को ले रहे हैं या कंपोज कर रहे हैं फिर रिकम्पोज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई बार हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हम एक ही बटन से दोनों चीज़ कर रहे हैं और पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप इन सिली मिस्टेक्स को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो है वो एकदम टैक शार्प
आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी आज की तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग की। देखिए जब भी आप कोई भी फोटो लेते हैं तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो भी आपका एपर्चर सेट किया, यानी कि जिस पे आपको लगता है कि आपको एकदम बेस्ट एक्सपोजर मिल रहा है। मान लीजिए आप शूट कर रहे हैं F8 के ऊपर, तो आप F8 पे पिक्चर लीजिए तो आप देखेंगे कि आपको एक्सपोजर ठीक मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जब हम आउटडोर लोकेशंस में शूट करते हैं, जब तक हम शटर को प्रेस करते हैं पिक्चर खींचने के लिए, या जब तक हम थोड़े से एडजस्ट करके वापस आते हैं, तब तक कई बार लाइट बहुत तेज़ी से चेंज होती है और हमें हमारी जो आईज़ में को पता नहीं चलता, यानी कि बहुत ही इनविजिबल होता है वो सारा सीन कि आपको कितनी जल्दी लाइट एक स्टॉप ऊपर या एक स्टॉप नीचे चली गई। तो वहाँ आपको क्या करना है भाई, आपने F8 पे तो पिक्चर ले लिया, अब एक पिक्चर आप लीजिए F9 पे और एक पिक्चर लीजिए आप F7.1 पे। तो इससे क्या होगा कि आपने थोड़ा सा ब्रैकटिंग करना सीखिए कि भाई F8 पे तो आपको अच्छी पिक्चर मिली रही है जो आपने अपना परफेक्ट एक्सपोजर लगाया था, लेकिन आपने एक स्टॉप ज़्यादा लिया और एक स्टॉप कम। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइट में कुछ भी चेंजेस हुआ है तो वो आपको पता नहीं वो आपको मतलब आपकी इमेज के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। तो मान लीजिए अगर F8 पे थोड़ा सा लाइट कम हो गई थी तो आपको आप देख पाएंगे कि आपको F8 पे F7.1 पे पिक्चर अच्छी मिल गई है, या ज़्यादा हो गई थी तो F9 के ऊपर उसने लाइट को कॉम्पनसेट कर लिया। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। मैं पर्सनली क्या करता हूँ दोस्तों, मान लीजिए मैं कई बार शूट कर रहा हूँ F9 या F10 पे, तो मैं एक F11 पे लेता हूँ, एक F13 पे भी ले लेता हूँ और एक पिक्चर में लेता हूँ बिल्कुल F8 पे और एक F7.1 पे, यानी कि एक ही इमेज को मैं कई बार चार अलग एक्सपोजर पे लेता हूँ। स्पेशली आउटडोर शूट में अगर वहाँ पर कोई भी लाइटिंग के अंदर इशू आ गया तो मेरे पास में एक इमेज तो ऐसी होती है जो कि एक परफेक्ट एक्सपोजर के साथ मुझे मिलती है। तो ये हैबिट आप अपने फोटो शूट करते वक्त डालिएगा और आप देखेंगे कि आपको एक्सपोजर के अंदर जो है कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी चौथी सेटिंग की, और ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फोटो शूट करते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा जब आप कोई भी फोकस पॉइंट्स को लगाते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है आपको ऑटो फोकस सिंगल यानी कि AFS, और दूसरा आपको मिलता है AFC यानी कि ऑटो फोकस कंटिन्यूस। तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ दोस्तों, स्पेशली अगर मैं कोई पोर्टफोलियो शूट कर रहा हूँ या मैं पोर्ट्रेट्स ले रहा हूँ या मॉडल को जहाँ मैंने पोजिंग करने के लिए बोला है, तो वहाँ मैं शूट करता हूँ हमेशा ऑटो फोकस कंटिन्यूस मोड पे। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप करते हैं शूट कर रहे होते हैं तो आपको खाली फ्रेम लगाना है और इस तरह से आपको ये देखिए पिक्चर्स आप शूट करते जा रहे हैं, इससे मॉडल का कोई भी पोजिंग जो वो कर रही है कर रहा है वो आपका एक भी मिस नहीं होता। सिंगल शॉट में क्या होता है कि पिक्चर जैसे कि मैं अभी सिंगल शॉट पर डालता हूँ, सिंगल शॉट पर मैंने डाला तो आप देखिए इस तरह से ये टाइम लगता है कि पिक्चर को थोड़ा शूट करने में, सो कई बार जो आपका पोज है वो मिस हो जाता है। तो आप इस बात की हैबिट डालिए कि जब भी आप अपनी कैमरा सेटिंग्स लगाएं तो AFC पे शूट करिए, और स्पेशली जब थोड़ी मूवमेंट है या थोड़ा पोजिंग के अंदर वेरिएशंस हैं तो वहाँ पर आप एक भी शॉट मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बता दूँ, फोटोग्राफी में टाइमिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आपने शॉट को मिस कर दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो है पिक्चर आपके हाथ से निकल जाती है और आप बेहतरीन शॉट जो है वो खो देते हैं। तो अगर आप इस तरह से शूट करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी फ्रेमिंग, आपकी कंपोजिशन, और जब कंटिन्यूस मोड पर आप शूट करते हैं तो आपको एक ही तरह के काफ़ी सारे 10-12-15 पिक्चर्स मिलते हैं, और वहाँ पर आपको चुनना थोड़ा सा आसान होता है कि कौन सा बेस्ट पिक्चर हम फाइनल आउटपुट यानी कि हम फाइनली क्लाइंट को देने के लिए रखें। तो अगर आपके पास में 15 ऑप्शन है लगभग सिमिलर पोज में और एक आपके पास में सिर्फ 4 पोज हैं, तो बेटर है कि जो हमारे पास 15 ऑप्शन होंगे उसमें से हम अच्छी पिक्चर चुन पाएंगे, ना कि 4 पिक्चर्स में से हम बेस्ट पिक्चर चुन पाएंगे। तो इस चीज़ की आप थोड़ी सी हैबिट डालिए और प्रैक्टिस करके मुझे बताइए क्या आपको इस हैबिट से थोड़ा सा फ़ायदा मिला या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी आखिरी यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी कैमरा सेटिंग की। अब ये सेटिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार बताया कि आप अपनी पिक्चर जो है रॉ पे शूट करिए, तो मैं यहाँ भी आपको ये कहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि रॉ के साथ साथ जो है आप शूट करिए रॉ प्लस जेपेग फॉर्मेट पे। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि जब हम अपने क्लाइंट के साथ में काम करते हैं, हम कोई उसका फ़ोटो शूट करते हैं, तो हर क्लाइंट को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि यार हमारी पिक्चर्स कैसी आई हैं, और शूट के बाद वो देखना चाहता है आपके लैपटॉप के ऊपर कि आपने किस तरह का फ़ोटो शूट किया है। तो अगर आपके पास में रॉ और जेपेग दोनों फॉर्मेट पे इमेजेस अवेलेबल होंगी तो आपकी जो जेपेग इमेजेस हैं वो फटाफट किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से खुल जाती हैं और आप क्लाइंट को जो है सारी पिक्चर दिखा सकते हो, या अगर आपको खुद भी अपना सारा शूट को ब्राउज़ करना है तो आप जेपेग के अंदर बहुत आसानी से ब्राउज़ कर सकते हो। और जो रॉ इमेजेस आपने शूट की हैं वो काम आती हैं दोस्तों आपके, जब आप एक्चुअली जो बेस्ट पिक्चर सेलेक्ट करते हो फिर उन्हें आप प्रोसेस करते हो और एडिट करते हो, तो वहाँ पर आप रॉ पिक्चर्स को यूज़ करिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि रॉ इमेजेस होने के साथ आपको जो है वो सारी फ्रीडम मिलेगी। अगर आपने कोई मिस्टेक किया शूट करते वक्त एक्सपोजर में, या आपके हाईलाइट शेडोज़ में कुछ इशू है, या आपके वाइट बैलेंस में कुछ इशू है, या आपके एक्सपोजर ट्रायंगल में कुछ इशू है, तो वो सब आप रॉ पे ठीक कर पाओगे। और
एट द सेम टाइम अगर आपका क्लाइंट वहाँ पर मौजूद है तो आप जेपेग इमेजेस उसे खोल के बहुत आसानी से सारी पिक्चर दिखा सकते हो। तो ये कुछ आज मेरी 5 सेटिंग्स थी, ऐसी थी। अगर हम इन 5 सेटिंग्स का ध्यान रखेंगे और हर शूट में इस सेटिंग्स को लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वर्क फ्लो बहुत ईजी होगा, आपकी पिक्चर्स की क्वालिटी बढ़ेगी और आपको ये समझ आएगा कि यार फोटोशूट करते वक्त ये जो 5 सेटिंग्स हैं कितना इंपॉर्टेंट होती हैं और कितना हमें हेल्प करती हैं हमारे शूट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अच्छे पिक्चर्स को अचीव करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 5 सेटिंग्स पसंद आई होंगी। अगर मैं कोई सेटिंग भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके जो है मुझे ज़रूर बताइएगा, अगली बार उन सेटिंग्स को मैं दिखाने की या उन सेटिंग्स के ऊपर शूट करने की या उस पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।